जय श्री राम, जय बजरंगबली। जो महाराज बारिश लगातार कंटिन्यू जारी है, वही रात से ही अभी कोई कोई बूंदे आ रही हैं और 3:15 बाकी हैं। भागते हैं जी दिल्ली की तरफ, स्टार्ट करके दिखाते हैं जी आपको कैसे शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, भागते हैं जी। श्री राम गुहर जी, बोले आ रहे हैं सुबह सुबह, क्या बाबा बोले नाथ की। खड़े लाइन में वहां प्लॉट में तो बिल्कुल मिट्टी धस रही है, ये कच्ची मिट्टी है ना, वहां पे आधे में कच्ची आधे में रोड़ा था, पर लेकिन फिर भी रोड़ा राड़ा सब कुछ खत्म हो गया। बैठ रही है, ब्लॉक लगा के चला गया था और हैंड ब्रेक भी लगा रखे है, देखो हैंड ब्रेक भी लगा रखे ऊपर और लो गियर डाल रखा, बैक वाला गियर डाल रखा है क्योंकि आगे से ऊंचा है, पीछे की तरफ लेते हैं कई बार साधन, तो ऐसे काम करना है अपनी चढ़ाई पे। पहली बात तो अंकल जी ट्रॉली घुसे नहीं, अरे घुस भी गई तो ईंट गिरेंगे खुली, चट्ठा लागन की कोई जगह नहीं। बदरपुरा आपने गलत मंगवा लिया कल, हाँ पहले ईंट मंगवानी थी आपने। एक बात बताओ, ये बदरपुर इधर काट, बदरपुर नहीं कोई भी हटावे, हम नहीं इसके हाथ भी लाऊंगे अंकल जी। चलो कोई बात नहीं, आप हाथ बताओ इतना हम काट, पर गली में रास्ता देखो ना आप कितना। हाँ बात तो मैं सुन रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से काट के इतना बदरपुर और वहाँ पर डाल दे, यहाँ पर इसको एक शार कर दे, कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी दूर चट्ठा नहीं लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ। ईंट गिरेंगी खुली, 5500 ईंट है, आपका ढेर लगेगा लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा हाँ, खुली लगेगी, खुली लगेंगी जी ईंट, चट्ठा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हमारी ट्रली यहाँ खड़ी होगी, देखो यहाँ पे ठीक है, होगी खड़ी, इतनी दूर कौन लगा होगा चट्ठा ये बताओ। ईंट आओगे हमारी, अगर चट्ठा भी लग जाएगा तो इतनी लंबा तक आओगा, कम से कम 10 आदमी चाहिएंगे, 10 फुट का गैप हो गया पूरा। हाँ मैं नहीं, डिसीजन बताओ आप। चट्ठा फिर भी नहीं लगेगा अंकल जी, बदरपुर बहुत है, 50 फुट है, 100 फुट है, 100 फुट बदरपुर है कम से कम। वहाँ जगह नहीं, फिर वहाँ जगह नहीं, जगह तो हम कहते हैं, जगह कैसे कर दोगे अंकल जी। सीधी भी नहीं घुसा है वो खंबाड़ा का, फिर ये करा यार, चल देख लेगा खुले मंगवाओगे तो ठीक है ना, तो फिर वापस ले लेना। बाइक बुइक भी हट रही है, देखेंगे वो कोशिश करेगा, दिक्कत है घुसा तो दिए भाई। फुल्ल 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 खंबे का गैप देख ले कितना रह गया, वीडियो भी क्या क्या बोलते रहता है, क्या क्या बोलता रहता हूँ। कल आदमी का वीडियो देख रहा, कल देख रहा था, अरे छोरे क्या क्या बोलता रहता हूँ। अच्छा अच्छा बात बोलता हूँ, अच्छी लगी तेरे को, लाइक भी किया। ये मैं लग गया डालन खुली बड़ी मुश्किल से बचाई है, ये समर है समरसिबल है, इसके अंदर बड़ी मुश्किल से बचाया है। और इधर वाला ये हट गया पाइप,
और बिल्कुल खतरनाक तरीके से घुसाई है। यहाँ पे भी टूटा हुआ है, ये दो गटर के ढक्कन रखे हुए हैं। पूरा रोड तक, रोड नांगलोई तक पूरा बंद था बिल्कुल, नालों से होके। वो तो मेरे को रास्ता पता था, नहीं तो आज खड़ा रहता जाम में, जाम लग रहा था पूरा बेकार वाला। और फिर रास्ता पता था मेरा, जबगढ़ की तरफ से रास्ता वहीं से आया, और आते ही साइड बेकार थी। वैसे तो ये चट्ठा लगाने के लिए हम मजबूर होते हैं भाई, खुली करने के लिए मजबूर होते हैं। चट्ठा लगा के अगले की संतुष्टि हो जाए ना, तो उससे बढ़िया काम नहीं होता। फिर भाई यहाँ पे तो मजबूरी थी, बदरपुर गिरवा रखा है इन्होंने पहले, और ना चट्ठा लगाने की जगह थी, 10 फुट तक चट्ठा लगाना पड़ता। मैं तो कह रहा था मैं तो वापिस ले के जाऊँगा, नहीं तो फिर अंकल समझदार थे, कह रहे भाई खुले डाल दो, टूटने मत देना, वहाँ टूटेंगे तो गारंटी अंकल जी टूटेंगे नहीं बिल्कुल। भाई अभी खुले डाल रहे हैं, 20 मिनट का काम रह गया, अभी 5 मिनट का काम रह गया। कम से कम 6 महीने पहले वो गाड़ी हटाई थी होंडा सिटी ये वाली, और हटा के वहाँ पर भी खुले डली थी नीचे प्लॉट में। लो जी इनकम्प्लीट्स, टायर नीचे से ईंट काट दिए, वो 2 ईंट पड़ी है। लो जी इनकम्प्लीट्स, और ये भागेंगे, बाबा आया वो पैसे लेगा। खाना खाने पहुंचे हैं जी सीधा हॉल पे। खाना खाने के बाद में सीधा पहुंचा हूँ भट्ठे की तरफ, 1 मिनट का 2 मिनट का रास्ता रह गया, पास में ही है DL1। तो खुली इंटे वही डाल के आए हैं, आपको देखा ही आपने, तो उसका मतलब ये है मैं तो कभी भी खुली गेर के राजी नहीं हूँ इंटों को, क्योंकि ना उसमें तो सिस्टम ही नहीं बनता, ना तो अगले को संतुष्टि होती है कि भाई आपने इंटे कितनी दी है, ना अगले को ये संतुष्टि है कि भाई आप कितनी इंटे तोड़ोगे और अंदर कितने ट्रॉली के अंदर कितनी इंटे टूटी हुई है। अगले बंदे को विश्वास ही नहीं होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर मेरे को सबसे बड़ा डर ये रहता है कि भाई ग्राहक ख़राब होने का, कि भाई अगर इन्होंने मना कर दी, अगला चक्कर हो या ना हो स्टॉक पे लगानी पड़ेगी जाके। स्टॉक पे अगर उनके पास में कोई साइड का ऑर्डर नहीं आया 1000 2000 3000 का, तो फिर अपना चक्कर कैंसिल हो जाएगा। मेरे को भी एक तो बिल्डर का काम ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि मेरे पास एक ही बिल्डर है, लेकिन ये डर भाई सबको होना चाहिए, क्योंकि फिर किसी का भी नुकसान करने में आप सहायक नहीं होंगे फिर बिल्कुल भी। ठीक है जी, मेरे को तो डर रहता है कि भाई मेरा काम ख़राब ना हो जाए और सप्लायर का भी काम ख़राब ना हो जाए, सबसे पहले ये तो बात मैं सबसे पहले ही बोलता हूँ। लेकिन जहाँ मजबूरी होती है भाई वहाँ पे हम खुले डालते हैं। अब सुबह भी मैंने तो कैंसिल कर दिया था, बोल दिया था कि भाई अंकल जी अगर आप संतुष्ट हो खुले डलवा लो या फिर मैं लेके जा रहा हूँ वापस। फिर ऑप्शन उसमें एक ही होता है। फिर उन्होंने हमारे बिल्डर के पास में फ़ोन करा कि भैया जैसे भी होगा वो आपकी जगह के हिसाब से खुले डालेंगे इंटे, क्योंकि वहाँ पे ना तो चट्टा लगने की जगह थी और सिल्लियाँ रखी हुई थी नाली पे, और बदरपुर रखा हुआ था, बदरपुर पड़ा था कम से कम 100 फुट। अगर हम खुद हटाएं बदरपुर तो 1 घंटा उसमें लग जाएगा, और देखो भाई मेरे पास भी लेबर है, पैसे वाले लेबर है, तो वो उसके पैसे अलग से चार्ज करेंगे, और इतनी भड़क भाई कोई भी नहीं लेगा। अगर इंटे उतारनी है तो बदरपुर हटाएंगे और फिर पैसे की डिमांड करेंगे वो लेबर वाले भी, ऐसे ही हैं देखो। फिर मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई ना तो किसी की साइड ख़राब हो, बिल्डर की भी ना हो, और खुले डालने में तो भाई मुझे ही नुकसान है, क्योंकि इंटे भी टूटती हैं, अगला बंदा संतुष्ट भी नहीं होता, और अगला ऑर्डर मिले ना मिले ये साइड भी ख़राब हो सकती है। मेरी वजह से हो जाए तो उसमें फिर मेरे को तो बड़ा दुख सा लगता है कि भाई मेरा ही काम ख़राब होगा, मेरे को चक्कर मिले या ना मिले। ठीक है जी, तो बिल्डर ने कहा कि भाई सही है, अगर आपके पास आप संतुष्ट हो तो खुली डलवा लो, नहीं तो आप हमारी ट्रॉली को वापस कर दो, हम अपने हिसाब से उतारेंगे। तो ये बात होती है जी खुले डालने की। मैं तो बहुत बड़ा मजबूर होता हूँ तब मैं खुले डलवाता हूँ, क्योंकि दूसरा बंदा तो बहुत ज़्यादा इंटे तोड़ देता है, ये तो मैं फिर भी डांट फटकार के बिल्कुल थोड़ा आराम से करवाता हूँ काम। फिर भी इसको भी पता है कि भाई तेरे को इसकी ज़रूरत है,
और मेरे को भी पता कि भाई मेरे को तुम्हारी जरूरत है, ज़रूरत के हिसाब से काम चलता है, लेकिन किसी के बगैर किसी का काम रुकता नहीं। ये जाएंगे तो और आएंगे, और ये जाने वाले तो है ही नहीं। देखो भाई, 1000 रुपये सुबह सुबह आपके अगर बनते हो, 2-3-4 बंदे जितने भी हो, तो सुबह सुबह आपकी जेब में 1-2 घंटे के अंदर अंदर 1000 रुपये आपकी जेब में डलते हैं। तो बंदा कोई भी अपना जो पैसे वाली आमदनी हो उसको कोई भी ख़राब नहीं करना चाहेगा, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है जी, बढ़ते हैं जी, बाकी शाम को बात करेंगे। लेजेंडे तो बहुत कम है बाहर, एक चक्कर तो अपना तो खैर हो ही जाएगा। निकासी आज हुई नहीं और रास्ता ख़राब हो रहा है, क्योंकि रेड़े नहीं चल सकते ना। वैसे तो निकासी होने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से रेड़े नहीं चल सकते, एक सिंगल टायर का तो रेड़ा होता ही है। और ये कुछ अंदर का सीन है, हमारी तो वही अपने वाली तो अंदर भरेंगे या बाहर भरेंगे, दोनों तरफ पहला ही नंबर है अपना आज तो। कहीं पर भी भरना, अंदर भरेंगे तो यहाँ से भर देंगे, यहाँ पे तो टाइल लाई हुई है, अंदर भरेंगे तो यहाँ से, और नहीं तो फिर बाहर से, एक चक्कर अपना है ही है। ठीक है जी, चलो देखते हैं जी कैसे क्या रहेगा। बिल्कुल कलर डाउन हो गया, देखो ऊपर से पानी भी आ गया और कार्बन भी आ गया, देखो ये काला काला है, देखो इसमें कार्बन भी आ गया अंदर से और कोयला भी थोड़ा बहुत, और जो वो है इसके ऊपर जो रापस है उसके अंदर जो भी वो मिला होता है ना धुआं काला हो गया, वो सब कुछ अंदर आएगा अब बारिश के कारण, ये सिस्टम हो गया। अभी तो सोएंगे, फिर शाम को देखेंगे कितने बजे लगेंगे, नहीं लगेंगे क्या रहेगा। वैसे तो भरेंगे, एक ट्रॉली है अपनी, 4 बजे हुए हैं, इन्होंने अपने वाली अंदर लगा के भर दी थी। अभी रस्सा तरपाल मार के बाहर निकाल लेंगे और फिर भागेंगे। देखो इनकम्प्लीट, अच्छी वाली इंटो में लगा के भर दी। लो जी रस्सी तरपाल कंप्लीट हो गया, एक बंदा लगवा के गया, 50 रुपये देता हूँ कल्लड़ लगवाने के, रस्सी लगवाने के। जो बंदा मेहनत करता है उसके पैसे रखने नहीं चाहिए, बाकी फालतू पैसे किसी को मैं देता नहीं, ना मैं ठंडा पिलाता ना मैं कुछ करता। जो भी रस्सी लगवाता हूँ उसको पैसे देता हूँ। जो ट्रॉली भरते हैं उनको भट्ठे से लेबर मिलती है 550 रुपये, 100 रुपये 1000 के हिसाब से, और जो घोड़ी इनकी अंदर यहाँ से भट्ठे से निकलेगी उसके पैसे भट्ठे मालिक से इनको अलग मिलेंगे। एक ट्रॉली में कम से कम 1000 रुपये इनकी कमाई हो जाएगी भाइयों की, जो बंगल लिए हैं। तो चलते हैं जी, भागते हैं बाहर निकालते हैं जी, गर्मी बहुत है और बारिश बहुत ज़्यादा बारिश करके गए हैं, 1 घंटा बरसे हैं। राम जी मैं तो सोया पड़ा था, मैंने थोड़ा सा खिड़की से देखा था बस, मैं फिर नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, कमरे पर नींद नहीं आती है और रात मच्छर लड़ गए थे, मैं कमरा खुला छोड़ के सो गया रात, मच्छरों ने खा लिया। 2 घंटे तो नींद बड़ी आई, 2 घंटे फिर मच्छरों ने खा लिया। तो चलिए चलते हैं जी, भागते हैं। लिया भाई यहाँ भारी लगा दिया मैंने, यहाँ से घुमा के प्लॉट के अंदर नहीं लगेगा भाई बिल्कुल भी। शाम को 7 बजे लगा दिया पेट्रोल पंप पे। ले जो ऊपर का नज़ारा है, दिन सूर्य देवता जी महाराज चले गए वहाँ पे खड़ा है जोटा, वहाँ पेट्रोल पंप पे लगाएंगे। तो जी शाम हो गई है, सूर्य देवता जी महाराज चले गए, भीड़ हो जाती है पेट्रोल पंप पे अब इस टाइम भीड़ है, क्योंकि सीएनजी वाला पेट्रोल पंप भी है और साथ में डीजल पेट्रोल है, तो उसमें भीड़ हो जाती है। 7 बजे के बाद में लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आराम से कोई दिक्कत नहीं है, पूरी रात खड़ा रहेगा 2 बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक खुला ही रहता है पेट्रोल पंप,
तो उसके बाद में फिर 2 घंटे हमारा जो एक आधी बार चक्कर भी मार के आता हूँ मैं रात को, अगर जागा जाते ना 1 बजे या फिर 1:30 बजे, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे रहते हैं पेट्रोल पंप वाले जो वहाँ पे जो नौकरी करते हैं वो वर्कर्स, 4 से 5 वर्कर रहते हैं, सारी रात वहीं पे सोते हैं और CCTV लगे होते हैं, कैमरे बहुत सारे हैं। तो जी दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी हो, अगर आपके पास में जगह कम है, खासकर ज़्यादातर दिल्ली में ही ये प्रोग्राम होता है, दिल्ली में जगह कम होती है, और आप ऐसी चीज़ पहले मत मंगवाओ जो खुली डलने वाली हो, जो चट्ठा लगने वाली हो, आप पहले जैसे ईंट का चट्ठा लगने वाला है ईंट मंगवाओ सबसे पहले, और आपके पास में जगह की कमी है तो बदरपुर साइड में या फिर गली में दिन में जैसे दिन में गिरवा लो उसको, थोड़ा बहुत मकान में डाल लो, या फिर बिल्कुल ही जगह कम है तो ईंटें भाई थोड़ी मंगवा लो, 2,500-3,000, वैसे अगर ज़्यादा ही टाइट रहती है तो ईंटें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि भाई ईंट ही हमारी जो है सबसे पहले आनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जगह भी ईंटें ही लेती हैं अगर खुली डले तो, अगर चट्ठा लग जाए तो सबसे कम जगह ईंटें लेती हैं। बदरपुर 100 फुट आ जाए तो वो भी फैलेगा, खुला ही डलेगा, रेती आ गई वो भी खुला डलेगा, कुछ भी प्रोडक्ट आएगा जो खुला डलने वाला है, डंपर जो खाली करके जाएगा वो प्रोडक्ट आपको फैलेगा ही फैलेगा, उसका बड़ा ध्यान रखना है आपको। कोई भी चीज़ आपको मतलब जैसे ही अगर आपके पास में मकान के अंदर जगह बन जाती है तो बदरपुर आ गया उसको थोड़ा बहुत अंदर डाल लो, रेती आ गई उसको थोड़ा बहुत अंदर डाल लो, और ईंटों की जगह भाई सबसे पहले बनाओ, आप ईंट सबसे पहले उतरवाओ, क्योंकि फिर बाद में लफड़ा नहीं रहेगा, आपकी गिनती जब तक आपको नहीं मिलेगी आप उस प्रोडक्ट में आपका विश्वास नहीं बनेगा कभी भी, आपको ये लगेगा कि भाई कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, और 5-5 की जगह कई बार 5 भी हो सकती हैं, ये इसमें चोरी हो जाती है कई बार इसीलिए बता रहा हूँ, और 3,000 की 2,500 हो सकती हैं, जो थर्ड पर्सन होगा जो चोरी करने वाला सिस्टम जो वो होता है ना वही बता रहा हूँ कि भाई आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, आप अपनी ईंटों का चट्ठा लगवाने की कोशिश करें। और मैं तो बिल्कुल भी राजी नहीं, मैंने बता दिया दोपहर को आपको, मैं अपना धंधा बिल्डर का धंधा किसी का भी धंधा ख़राब करने की मेरे में मन में नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई अपना सबका काम चलता रहे, बिल्डर का भी आपकी वजह से चलता रहे, आप और आप बिल्डर की वजह से आपका चलता रहे, बिल्डर का भी साफ़ सुथरा काम रह जाएगा, अगर इमेज ख़राब होती है तो पूरी बिल्डिंग अगर 3-4 मंजिल बनेगी तो बिल्डर की इमेज ख़राब हो जाती है ग्राहक की नज़रों में, कि भाई ये बोलेगा कि भाई यार खुली डलती हैं ईंटें कम ज़्यादा हमारे को क्या पता है, कि जैसे अब हमारी ट्रॉली है भर के आई है, आज तो दिखाई ही नहीं मैंने क्योंकि मैं सोया पड़ा था, उन्होंने भर दी, लेकिन ये भी एक विश्वास का जरिया है कि अच्छी ईंटें भरती हैं, फिर भी मैंने बोल रखा कि भाई हल्की ईंटें मेरी ट्रॉली में डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरा खाली रह जाओ बेशक से, मुंशी को भी, मालिक को भी और लेबर वालों को भी, लेकिन वो जब तक अच्छी ईंट भट्ठे में होंगी तब वो भरेंगे लगा के अपने आप। और मैंने ईंट देख भी रखी थी, वीडियो जाते ही बना दी थी कि भाई हाँ ईंटें अच्छी हैं यहाँ पे लगा के भरेंगे, फिर वहीं से भरी है जहाँ से मैंने बोला था, या तो चट्ठे से भरेंगे या फिर अंदर से यहाँ से भरेंगे, फिर उन्होंने अंदर से भरी है बिल्कुल हटा के साफ़ सुथरी बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। और रही बात जो विश्वास की होती है वो उन्होंने विश्वास पूरा करते हैं, लेबर वाले भी, मालिक भी और मुंशी भी, कि भाई इस ट्रैक्टर के अंदर में अच्छी ईंटें डालनी है, मैं अच्छी ईंटें क्वालिटी में ही प्रेफर करता हूँ, मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचता कि भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, समझौता नहीं करता कि भाई यहाँ पे क्वालिटी अगर थोड़ी सी चल जाएगी 1921 तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं भाई बिगड़ता बहुत कुछ है, बाद में फिर पता चलता है सप्लायर को कि भाई ईंटें हल्की उतार के चला गया, पैसे कटते हैं या फिर आपको सुननी पड़ती है 2-4 बातें, तो उसके हिसाब से ही इमेज ख़राब कहीं पर भी किसी भी तरीके से मत होने दो, उसके लिए अपनी पूरी जी जान ताकत लगा दो, जब तक आपका धंधा ख़राब नहीं होगा तब तक आप अव्वल रहोगे, अव्वल तरीके से आपकी इमेज बनी रहेगी। मेरी इमेज बहुत अच्छी है भाई, मैं खुद तो खैर अपनी जो प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन भाई जहाँ तक मेरी क्वालिटी के मामले में आज तक मेरी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ये बात है जी, जब भी आपको खुले ईंटे गिरवानी पड़े या तो फिर आपको विश्वास होना चाहिए, या फिर अगर नहीं विश्वास है तो आप उनको वापस करो ट्रॉली को, मैं भी हूँ मेरे को भी वापस करो, और गिनती में और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ये मैं बताता हूँ। अगर आपके पास जगह नहीं है तो खुले डलेंगी, उसमें हम भी मजबूर होते हैं, हमारे लेबर वाले भी मजबूर होते हैं, कावड़िए चले हुए हैं जी देखो।
कल को शिवरात्रि है, सभी को हैप्पी शिवरात्रि। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाराज। वीडियो एंड तक देख लेंगे जी, धन्यवाद। शेयर करके जाना जी, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ तक आए हो तो लाइक करके जाना जी, वीडियो एंड तक देखने लीजिए, धन्यवाद।